जहां मार्केट में एक के बाद एक कई सारे नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे, तो भाई ऐसे में इन्फिनिक्स ने बजट में एक ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसको लेके मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि भाई मैंने इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G को भी बहुत ज्यादा यूज किया था और भाई मुझे वो स्मार्टफोन अंडर 20,000 में काफी ज्यादा सही लगा था। हालांकि इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G इसका बड़ा भाई अब 25,000 के अंडर आपको देखने मिलेगा, लेकिन भाई गेमिंग के नजर से ये स्मार्टफोन कैसा है, क्योंकि प्रोसेसर को लेकर काफी तगड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है और मैं करने जा रहा हूं इसका एक डिटेल गेमिंग रिव्यू, जहां पे इसके फर्स्ट सेल में आपको ये गेमिंग एक्सेसरीज भी फ्री मिलेगा और इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, इसे टेस्ट भी करूंगा और आपको बताऊंगा भाई इसके साथ में जो इसका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा होने वाला है। तो एक दो नहीं बल्कि 5-5 हाई ग्राफिक गेम्स यहां पे है, सभी को अच्छे से खेल के टेस्ट करेंगे और आपको बताऊंगा कि अगर आप इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G लेने जा रहे हो तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, और अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो क्या आप सभी को इसके लिए जाना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ अच्छे से और डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूं। तो भाई मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना और सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के स्पेक्स को लेके। ऑलराइट गाइस, सो ये रहा मेरे हाथों में इन्फिनिक्स GT20 Pro 5G। ये स्मार्टफोन आता है इंडिया के फर्स्ट मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर के साथ में। साथ में इसमें आपको एक गेमिंग चिपसेट भी देखने मिल जाता है डिस्प्ले एंड गेमिंग के लिए। 8 और 12 GB का रैम कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा और साथ में जो स्टोरेज है वो आपको एक ही देखने मिलता है जो है 256 GB वाला। बाकी मैंने स्मार्टफोन में कुछ बेंचमार्क्स वगैरह टेस्ट कर रखे हैं, तो भाई एक एक करके आप सभी को रिजल्ट दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं यहां पे Geekbench स्कोर की, तो आप यहां पे देख सकते हो इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर्स निकल के आए हैं सिंगल कोर के साथ में मल्टी कोर के भी। वहीं पे अगर बात करूं Antutu बेंचमार्क की, तो आप देख सकते हो भाई अराउंड 9.5 लाख के आसपास, या फिर आप बोल लीजिए 10 लाख को ये टच कर जाता अगर मेरे पास हायर वेरिएंट होता। यहां पे मेरे पास 8 GB रैम है, 12 GB रैम होता तो आराम से ये 10 लाख के आसपास के स्कोर को टच कर जाता, बट अगेन भाई इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छे स्कोर से निकाल के देता है Antutu बेंचमार्क के। और स्टोरेज का भी टेस्टिंग हमने यहां पे कर रखा है, UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको यहां पे देखने मिल जाता है और इसकी भी भाई रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छी यहां पे निकल के आई है। सबसे लास्ट में CPU थ्रॉटलिंग की बात करूं तो भाई ये उतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक स्टेबल है और आप यहां पे देख सकते हो कोई भी रेड ग्राफ आपको देखने नहीं मिला, लेकिन हाँ ये फुल्ली ग्रीन भी नहीं है, हल्का सा ये नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी यहां पे रेड फ्लैग वगैरह आपको देखने नहीं मिलता है और ओवरऑल जो इसका एवरेज स्कोर है वो भी अच्छा निकल के आ जाता है। अब वैसे तो मैंने स्मार्टफोन में काफी सारे गेम्स को इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो RC 2024 से लेके Asphalt 9, फ्री फायर, COD एंड सबसे लास्ट में BGMI। इसके अलावा भाई इसका टेम्परेचर वगैरह भी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि भाई हीट होता है या फिर नहीं, और एक चीज और आपको आगे चल के बताने वाला उसके टेम्परेचर को लेके ही। लेकिन टेम्परेचर के अलावा भाई हम इसकी बैटरी को यहाँ पे देखते रहेंगे कि बैटरी कितना ड्रेन होता है। एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो 90% यहाँ पे बैटरी है, तो सब कुछ सेट है। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक और चीज बता दूं कि भाई इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रहा है 28 मई से, और अगर आप इसे फर्स्ट सेल में परचेस करते हो तो अराउंड 6,000 5,500 से 6,000 का जो ये गेमिंग एक्सेसरीज है वो आपको इसके साथ में देखने मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री में। तो भाई अगर आप गेमिंग वगैरह काफी ज्यादा शौकीन हो, फैन हो, तो भाई इसमें आपको कई सारे एक्सेसरीज देखने मिलते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। हालांकि इसके साथ में ये वाला जो केस है वो तो आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और केस आपको इस बॉक्स में देखने मिलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो भाई ये देख सकते हो ये सिमिलर केस है, लेकिन ये मैग्नेटिक पार्ट है जहां पे भाई जो इसका कूलिंग मोटर जो आता है गेमिंग एक्सेसरीज के बॉक्स में वो यहाँ पे अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो ये चिपक गया है और ये आपके नॉर्मल केस में नहीं चिपकेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इस गेमिंग एक्सेसरी बॉक्स में आपको ये केस और साथ में ये कूलिंग फैन और इसके अलावा ये 2 फिंगर ग्लव्स भी देखने मिल जाते, तो इन केस अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो भाई ये भी आपको बॉक्स के अंदर देखने मिल जाएंगे। और गाइस हम इन बिटवीन इस कूलिंग फैन को यूज करेंगे, जब भी हमें लगेगा कि स्मार्टफोन हीट हो रहा है तो भाई इस कूलिंग फैन को लगाऊंगा। और भाई मैंने इसे यूज किया, ये बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देता है स्मार्टफोन को, तो भाई इसे भी टेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन है, भाई इसमें जो उसका चार्जिंग केबल है वो भी काफी इंटरेस्टिंग देखने मिलता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। ये कुछ इस तरीके का एल शेप में आपको देखने मिल जाएगा, ताकि जब भी आप इसे प्लग करके गेमिंग वगैरह करें तो आपको भाई डिस्टर्ब ना हो। हालांकि यहाँ पे जो एक चार्जिंग पॉइंट दिया गया है वैसा एक सिमिलर पॉइंट यहाँ पे भी दिया गया होता ROG गेम जैसा, तो भाई ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है गेमिंग के हिसाब से। बट भाई काफी कुछ बोल लिया, काफी कुछ बता लिया आप सभी को, अब फटाफट इसके गेमिंग टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखा दूं जो बैटरी यहाँ पे वो है 89% और साथ में जो टेम्परेचर है वो है अभी के लिए 34°C। ऑल्सो गाइस यहाँ पे आपको गेमिंग मोड तो देखने मिलता है, लेकिन साथ में एक्स एरिना देखने मिल जाता है जो बेसिकली इनका गेमिंग वाला सेक्शन है, जिससे कि आप देख सकते हो भाई कितना पावरफुल यहाँ पे वाइब्रेशन निकल के आया। तो यहाँ पे सारे गेम्स देखने मिल जाते हैं भाई गेमिंग मोड के लिए, जो कि भाई आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। गेमिंग मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट गेमिंग टेस्ट से, जिसका नाम है RC 2024। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट गेम। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके एक बार आप सभी को इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूं भाई कि जो गेमिंग के लिए ग्राफिक है क्वालिटी वो क्या देखने मिलती है। बेसिकली ये हाई ग्राफिक एंड हाई फ्रेम रेट पे सेट है, क्या ये अल्ट्रा जाएगा, लेट्स सी। तो यप
अल्ट्रा तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे हाई प्लस हाई का देखने मिल जाता है। तो भाई इसी सेटिंग्स के साथ में यहाँ पे इस गेम को स्टार्ट करते हैं। भाई एक बार इसके बेजल्स देख लो, कितने ही पतले बेजल्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। जो एक्सपीरियंस है व्यूइंग का या फिर गेमिंग का वो बहुत ही तगड़ा आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले वाइज भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले आपको देखने मिल जाएगा। ऑल्सो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने मिलता है, हालांकि वो गेमिंग में देखने नहीं मिलता, लेकिन हाँ डिस्प्ले के लिए जो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड गेमिंग चिप दिया गया उसकी वजह से भाई टच वगैरह काफी अच्छा देखने मिल जाता है, काफी रिस्पॉन्सिव देखने मिल जाता है। तो गाइस कुछ बॉल्स हम यहाँ पे खेलेंगे ताकि आइडिया हो जाए भाई हाई प्लस हाई सेटिंग्स पे इन्फिनिक्स G20 प्रो में ये RC2024 कैसा चलने वाला है, कैसा परफॉर्म करेगा। बाकी गाइस आप सभी को जैसा भी इसका गेमिंग टेस्ट या फिर गेमिंग ग्राफिक वगैरह लगे नीचे कॉमेंट करके जो बताना, एंड गेम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, जो पहला एक्सपीरियंस है मेरा वो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ रहा फर्स्ट बॉल से, या फिर अगर बात की इसके ग्राफिक्स की, इसके एनिमेशंस की या फिर कलर्स वगैरह की काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। ऑल्सो मैं आप सभी को बता रहा है यहाँ पे आपको गेमिंग मोड देखने मिल जाता है, राइट साइड से सिंपली आपको स्वाइप करना है। मीडियम पे इसे परफॉर्मेंस पे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, साथ में भाई आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर गेम की तो भाई फर्स्ट बॉल पर तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। All right. Well, that is glorious. Absolutely glorious. Perfect timing. तो भाई पहला बॉल खेलते साथ ही मुझे ये पता चल गया था भाई अगर आपको यहाँ पे RC2024 खेलना है तो भाई इन्फिनिक्स G20 Pro में आपको इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने मिलने वाला है, काफी अच्छा काफी स्मूथ देखने मिलेगा। हालांकि अल्ट्रा का सपोर्ट नहीं है, बट यह हाई प्लस हाई पे भी ये काफी अच्छा स्मूथ परफॉर्म कर जा रहा है। ये है आज की लास्ट बॉल RC2024 की, और भाई फिर से कहना चाहूँगा जो एक्सपीरियंस था भाई वो बहुत ही बढ़िया निकल गया है, बहुत ही सॉलिड था। और अगर आप RC2024 खेलते हो इसका परफॉर्मेंस जानना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली इन्फिनिक्स G20 प्रो में आपको इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने मिल जाएगा। अल्ट्रा का सपोर्ट नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है यहाँ पे RC2024 का इन इन्फिनिक्स G20 Pro 5G। तो गाइस इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। पहला गेम तो काफ़ी अच्छे से चल गया, लेकिन इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पे बैटरी की तो 87, अभी तो 88 था मेरे सामने, 87 हो गया है। साथ में टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई थोड़ा सा बढ़ गया, 37 पे चला गया। जैसे ही 40 टच करेगा ना मैं यहाँ पे जो उसका ये गेमिंग केस है और ये जो गेमिंग फैन है ना वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो भाई टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। लेकिन उसके अलावा भाई यहाँ पे 2% का बैटरी ड्रेन हुआ है और पहला गेम हमने काफी अच्छे तरीके से खेल लिया। लेकिन इसी के साथ में बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि होने वाला है यहाँ पे भाई एसफॉल्ट 9, एंड लेट्स सी भाई एसफॉल्ट का परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा देखने मिलता है इन्फिनिक्स G20 Pro में। ऑलराइट गाइस, तो ये गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके आप सभी को भाई गेम सेटिंग्स दिखा दूं कि भाई ग्राफिक वगैरह क्या देखने मिलता है। तो 60 FPS का सपोर्ट है, हाई क्वालिटी पे सेट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई फटाफट पहला गेम यहाँ पे प्ले करके देखते हैं और देखते हैं भाई एसफॉल्ट 9 का परफॉर्मेंस कैसा देखने मिलता है यहाँ पे भाई इन्फिनिक्स G20 Pro 5G में। और सो भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है और इसमें ना आपको JBL के स्पीकर्स देखने मिलते हैं। और भाई गेम हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और क्या ही प्यारा यहाँ पे ग्राफिक लग रहा है भाई। इनिशियली जो ग्राफिक्स है भाई गेम प्ले काफ़ी स्मूथ लग रहा है। ओके, तो एसफॉल्ट तो वैसे स्मूथ चली जाता है भाई, नो डाउट, लेकिन भाई आप देख सकते हो कितना ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये निकाल के दे रहा है इस बजट के प्राइस में, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई। तोड़ फोड़ मचा देंगे दोस्तों, ला के रख देंगे सब। ऑल राइट गाइस, तो अभी तक ग्राफिक तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे भाई इस बजट के प्राइस के हिसाब से, डेफिनेटली भाई ग्राफिक वगैरह काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड इवन जो गेम प्ले वो आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी लैग कोई भी जिटर वगैरह अभी तक मैंने यहाँ पे फेस नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हो भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है एसफॉल्ट 9 यहाँ पे G20 Pro 5G में। एंड भाई देखते हैं, ऑल राइट ओहो फिनिश कर दिया भाई हमने यहाँ पे इस पोजीशन को और दो राउंड हो गए। और जैसे कि आप देख सकते हो भाई
दोनों राउंड में काफी बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस निकल के आया है। और भाई अगर आप यहाँ पे एसफॉल्ट 9 खेलना चाहते हो तो भाई इंफिनिक्स G20 Pro यहाँ पे पास हो जाता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे निकाल देगा, फुल सेटिंग्स पे 60fps पे काफी अच्छे ग्राफिक के साथ में ये गेम यहाँ पे चल जाता है। सेकंड गेम भी हमारा काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर गया, तो भाई इसे भी यहाँ पे क्लोज कर देते क्योंकि बहुत सारे गेम्स है, तो भाई एक एक करके सभी को टेस्ट करना है। अभी के लिए जो बैटरी ड्रेन है वो है ओनली 1% का, दो राउंड हमने यहाँ पे प्ले कर लिया। और अगर बात करूँ टेम्परेचर की तो ये अब आ गया है 38 पे, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है भाई जैसे ये 40 को टच करेगा तो मैं इस केस एंड इस गेमिंग फैन को यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो भाई अभी के लिए तो दो गेम काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर गए। अब बारी यहाँ पे फ्री फायर की, भाई आप में से काफी सारे लोग का डिमांड होता है तो लेट्स गो एंड सी भाई फ्री फायर कैसा यहाँ पे परफॉर्म करेगा। सो गाइस ये है फ्री फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके आपको इसके ग्राफिक्स दिखा दो भाई कि स्मार्टफोन में इसके ग्राफिक क्या देखने मिलते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड प्लस एक्सट्रीम पे है तो भाई इसे हम देखते हैं अल्ट्रा पे जाता है या फिर नहीं। तो यप ये अल्ट्रा तक चला गया, अल्ट्रा प्लस हाई ये मैक्सिमम चला जाता है। तो इसी सेटिंग्स पे इसे प्ले करके देखते हैं कि देखते भाई जो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे इंफिनिक्स G20 Pro 5G में कैसा देखने मिलता है इस पर्टिकुलर सेटिंग्स के साथ में। तो गाइस ग्राफिक वगैरह तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी डिटेलिंग में भाई ग्राफिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन इन दिस सेम प्राइस रेंज। तो भाई फ्री फायर खेलने वाले हो आपको डेफिनेटली भाई इस स्मार्टफोन में फ्री फायर खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ग्राफिक्स वगैरह की बात करो काफ़ी डिटेलिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राफिक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और भाई क्योंकि मैंने यहाँ पे HDR ग्राफिक को ऑन किया तो भाई उसका भी रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, काफ़ी अच्छा ग्राफिक यहाँ पे देखने मिल रहा है। हालांकि जो गेम प्ले है वो मैक्सिमम सेटिंग्स पे उतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है, आप चाहो तो इसे मीडियम सेटिंग्स पे और अच्छे से खेल सकते हो, लेकिन अगर आप मैक्सिमम सेटिंग्स पे खेलोगे तो कुछ इस तरीके का आपको गेम प्ले देखने मिल जाएगा फ्री फायर का। सो गाइज ये था हमारा फ्री फायर का गेम प्ले। और भाई जैसे कि आपने देखा, जैसे कि मैंने बोला भी आपको भाई ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे थे इंफिनिक्स G20 Pro 5G में, और गेम प्ले भी अच्छा था। हमने यहाँ पे हाईएस्ट सेटिंग्स को चूज़ किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे मीडियम सेटिंग्स पे खेलोगे तो आपको और भी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा फ्री फायर का। सो गाइज ये है COD। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में जाके आप सभी को इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ कि भाई ये आपको वेरी हाई टू मैक्स पे बाय डिफॉल्ट देखने मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो भाई अल्ट्रा तक आप जा सकते हो, लो प्लस अल्ट्रा का सेटिंग्स आपको देखने मिल जाता है। तो इसी सेटिंग्स पे प्ले करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं यहां पे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आपको गेमिंग मोड देखने मिल जाता है, कुछ इस तरीके से लेफ्ट स्वाइप करना है और आपका गेमिंग मोड यहां पे ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, पैनल आ जाएगा। और इसी के साथ में बॉटम में आपको काफी सारे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको देखने मिल जाएगा, इसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। HDR ग्राफिक्स आपको यहां पे देखने मिल जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, वॉइस चेंजर वगैरह काफी कुछ देखने मिल जाते हैं, इवन नोटिफिकेशन वगैरह को भी आप यहां पे हाइड कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, कई सारे फीचर्स है आप खुद से उसे एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। लेकिन भाई गेमिंग मोड का होना अपने आप में काफी सही चीज हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने गेम की तरफ और भाई गेम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई COD का परफॉर्मेंस कैसा देखने मिलता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। वैसे भाई COD का परफॉर्मेंस सारे स्मार्टफोन में काफी बढ़िया निकल के आ जाता है, लेकिन क्योंकि भाई यहाँ पे 90fps का सपोर्ट दिया गया है तो भाई क्या देखते हैं 90fps में ये प्ले कर पाएगा या फिर नहीं गेम को, या फिर जो फ्रेम रेट वगैरह है वो कैसा देखने मिलेगा। Yeah.
ऑल राइट गाइस, तो भाई यहाँ पे सीओडी का जो इनिशियल इंप्रेशन है वो बहुत सही लगा मुझे, काफ़ी स्मूथ था। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 90 एपीएस से भी ज़्यादा स्मूथ ये माप में निकल के आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसका अल्ट्रा फ्रेम रेट था ना उसे भी ऑन किया हुआ, तो भाई गेमिंग मोड के मद से थोड़ा सा जो फ्रेम रेट है वो भी बढ़ा हुआ लग रहा है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे 90 एपीएस तो फॉर श्योर है, उससे ज़्यादा कभी आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा फ्रेम रेट के मामले में। लेकिन भाई जैसे कि मैं आपको बोला था सीओडी, तो भाई यहाँ पे मज़ा आने वाला है एंड डेफिनेटली भाई गेम प्ले बोल लीजिए, ग्राफिक्स बोल लीजिए या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस बोल लीजिए, काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आ रहा है एज ऑफ नाउ। बट लेट्स सी भाई कैसा होता है थोड़ी देर के बाद में इसका एक्सपीरियंस। भाई फ्रेम रेट तो भाई मुझे सच में मज़ा आ गया भाई, जो इसका एफपीएस है वो भाई काफ़ी ज़्यादा स्मूथ अभी तक मुझे लग रहा है एंड गेम प्ले तो आप अभी तक देख ही पा रहे हो भाई काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है स्पेशली सीओडी का। ऑल राइट गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो बताई भाई सीओडी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मज़ा आया इस पर्टिकुलर गेम को खेलते हुए। लेकिन भाई एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा भाई, अगर आप सीओडी खेलने के लिए GT20 प्रो लेना चाहते हो भाई डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा यहाँ पे सीओडी में। बाकी गाइस जो बैटरी है वो ड्रेन होकर अब आ चुकी है 81% पे, और साथ में टेम्परेचर आपको दिखा दूँ भाई अभी के लिए जो इसका टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री का, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था 40 डिग्री टच होते साथ ही मैं इसका गेमिंग एक्सेसरीज यहाँ पे लगा दूंगा। तो भाई जो फाइनल गेम है हमारा BGMI उसे हम एक्सेसरीज के साथ में खेलेंगे और देखेंगे जिसका टेम्परेचर है वो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है। सो गाइस इसके गेमिंग सेटअप को मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो उसका केस है और जो उसका फैन है वो मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया, ये ऑन भी हो गया जैसे कि आप देख सकते हो, तो ब्लू लाइट दिखाई दे रहा है लेकिन ये थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लग रहा है, उतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा, लेकिन इसके साथ में खेल के देखते भाई कि टेम्परेचर पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि इसमें आपको RGB लाइट्स भी देखने मिल जाते जो कि बहुत ही कूल लगते हैं। लेकिन अब बढ़ते हम अपने गेमिंग की तरफ भाई, BGMI देखते हैं स्मार्टफोन में कैसा चलेगा। सो गाइज ये रहा BGMI, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग्स में जाके भाई इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने सुना था यहाँ पे 90 FPS का सपोर्ट देखने मिलेगा, बाय डिफॉल्ट आपको ये देखने मिल जाता है HD+ एक्सट्रीम पे, और देखते भाई स्मूथ के साथ में क्या एक्सट्रीम मिलता है। यस भाई एक्सट्रीम का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा, फुल 90 FPS का आपको पे भाई स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है गेमिंग के मामले में। तो भाई इसी सेटिंग्स पे प्ले करके देखते हैं, और भाई हमने इसके गेमिंग मोड में जाके फ्रेम अल्ट्रा फ्रेम को ऑन किया हुआ है, तो होपफुली भाई उससे भी बेटर हमको यहाँ पे रिजल्ट देखने मिल जाएगा इसके ग्राफिक का। ओके गाइस, इनिशियली जैसे गेम ओपन हुआ तो भाई मुझे यहाँ पे पता चल गया बहुत ही स्मूथ है भाई ये, थोड़े थोड़े जिटर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे लेकिन ऑल राइट गाइस बहुत ही ज़्यादा ये स्मूथ लग रहा है इनिशियली जैसे कि आप देख सकते हो। ऑल राइट गाइस, सो जो 90 FPS का क्लेम है वो तो यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन वो उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बीच बीच में हल्का हल्का जिटर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फेस हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भाई 90 FPS का मज़ा तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस बजट में, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ निकल के आती है। ओके लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे भाई मीडियम सेटिंग्स पे खेलोगे या फिर इससे कम वाली सेटिंग्स पे खेलोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा, इवन 60 FPS पे काफ़ी अच्छा चल जाएगा, लेकिन भाई 90 का सपोर्ट है क्यों ना 90 पे इसे इन्जॉय किया जाए।
ऑल राइट गाइस, जैसे कि आपने देखा भाई, गेम तो काफी बढ़िया चला और गेम खेलने में काफी मजा भी आया। 90 एफपीएस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने में जाता, हालांकि उतना कंसिस्टेंट नहीं था, बीच में थोड़ा थोड़ा जिटर हो रहा था, लेकिन उसके अलावा भाई जो यहाँ पे क्लेम है 90 एफपीएस का, इवन जो इनका गेमिंग मोड है वहां से फ्रेम जो है वो फ्रेम रेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट हो जाता है हल्का सा, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल जो भाई बीजीएमआई का एक्सपीरियंस था वो भी काफी अच्छा यहाँ पे निकल के आया। एंड भाई डेफिनेटली अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो इस पर्टिकुलर बजट में तो भाई आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार टेम्परेचर क्या है इसका। ओके गाइस, सो ऑल राइट, इतना गेमिंग करने के बाद भी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस अप गया है, दैट मीन भाई जो इसका गेमिंग फैन है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है और ये काफी ज्यादा कूल कर देता है स्मार्टफोन को। तो भाई आप देख सकते हो टेम्परेचर और ज्यादा डाउन चला जा रहा है, तो ये अच्छे से परफॉर्म कर गया, बाकी भाई गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। बाकी गाइस, जैसे कि आप सभी देखा हमने 89% से यहां पे स्टार्ट किया था और अब ये 67% पे आ चुका है इसका बैटरी परसेंटेज, और जो टेम्परेचर था थ्रू आउट द गेमिंग वो भाई 41 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया। हालांकि सबसे लास्ट वाले गेम में बीजे हमने यहाँ पे इस एक्सेसरी को लगा लिया था, तो भाई वो एक्सेसरी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एक्सेसरी को लगाने के बाद में भाई जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री ही ऊपर गया और ये भाई बहुत ज्यादा कूल कर देता है स्मार्टफोन को। अगर इस एक्सेसरीज को नहीं लगाता तो भाई लास्ट वाले गेम को, क्योंकि वो काफी लंबा चला, तो आराम से 45 डिग्री के आसपास चला जाता, 44-45 डिग्री के आसपास। हालांकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा मुझे, यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन अगेन भाई इस बजट में कोई ब्रांड अगर इनिशिएटिव ले रहा है इन सभी चीजों को फ्री में देने का स्मार्टफोन के साथ में, तो भाई वो एक बहुत ही सही चीज यहाँ पे निकल के आ जाती है। और भाई इसी साथ में ये था इसका ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस, गेमिंग टेस्ट एंड गेमिंग एक्सपीरियंस, जहां पे हमने 1-2 नहीं बल्कि 5-5 हाई ग्राफिक गेम्स को यहां पे टेस्ट किया और जो इसका रिजल्ट था वो आप सभी ने यहां पे देखा है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। ऑल्सो जो इसका गेमिंग एक्सेसरीज था उसे मैंने यहां पे यूज किया और भाई जो इसका गेमिंग फैन है वो काफी अच्छे से यहां पे परफॉर्म कर जाता है, और अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करना चाहते हो तो ऐसे में भाई आपके स्मार्टफोन को कूल बना के रखता है। और ये जो गेमिंग एक्सेसरीज का बॉक्स है वो फर्स्ट सेल में आपको स्मार्टफोन के साथ में फ्री मिलने वाला, तो भाई 28 मई को इसका फर्स्ट सेल रहेगा। डेफिनेटली अगर आप इसे लेने का प्लान करें तो फर्स्ट सेल में लेना ताकि आपको ये गेमिंग एक्सेसरीज भी फ्री मिल जाए। बाकी गाइस, ये था इनफिनिक्स GT20 Pro 5G का एक डिटेल गेमिंग रिव्यू, एंड होपफुली आप सभी को ये गेमिंग रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं स्मार्टफोन के ऊपर और भी वीडियोस लेके आने वाला हूं, इस पे टेस्टिंग चल रही है, जैसे कि जल्दी मैं इसका एक डिटेल कैमरा रिव्यू लेके आऊंगा जहां पे इसके सारे कैमरा फीचर्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे पिक्चर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसे निकल के आती है। ऑल्सो मैं स्मार्टफोन का एक फुल रिव्यू जल्दी चैनल पे लेके आने वाला हूं ताकि आप सभी का बाइंग डिसीजन और ज्यादा इजी हो जाए। तो मेक श्योर उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाकी मैं मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।